हिमाचल की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के सागर तट तक जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय नरेंद्र भाई, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम सब जब गुजरात और हिमाचल के विजय उत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सबसे पहले पार्टी की ओर से गुजरात और हिमाचल की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और पार्टी की ओर से मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल और अरे भैया पांच मिनट सुन लो, आ जाएंगे, पांच मिनट सुन लो, बोलो भारत माता की। हिमाचल की और गुजरात की जनता का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये जो विजय हुई है मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल और गुजरात में, ये कोई एक अकेली अतुली विजय नहीं है। 2014 से लेकर मोदी जी की विकास यात्रा और विजय यात्रा जो चली है वो दो कदम और आगे बढ़ी है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की 6 सरकारें थी और 5 मुख्यमंत्री थे और आज 19 सरकारें बनने जा रही है और 14 मुख्यमंत्री बने हैं। 1990 से गुजरात के अंदर 1990 से एक भी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी थी और जब से 2001 से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात की जो विकास यात्रा चल पड़ी, गुजरात होकर पूरे भारत का भ्रमण कर फिर से हिमाचल और गुजरात में पहुंची और इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में और 2/3 बहुमत के साथ हिमाचल में हमने जीत पाई है। मित्रों, गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद का जहर फैलाना चाहा, प्रचार के स्तर को जिस प्रकार से नीचे ले जाने का प्रयास किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस प्रकार के ओछे शब्दों का प्रयास किया, उसके बावजूद भी गुजरात की जीत, मैं मानता हूं गुजरात की जनता का श्री नरेंद्र मोदी में भरोसा कितना है उसको दर्शाती है। मित्रों, हिमाचल के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है और हिमाचल सरकार के जो भ्रष्टाचारी शासन था उसके खिलाफ ये हिमाचल की जनता का बहुत बड़ा मैंडेट है। मित्रों, ये विकास यात्रा हमारी अभी ठहरने नहीं वाली है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक में भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही हैं। मित्रों, 2019 तक मोदी जी की विकास यात्रा, मोदी जी की विजय यात्रा, 2019 के आम चुनाव के अंदर भी प्रचंड विजय प्राप्त कर 2022 के अंदर नए भारत का, न्यू इंडिया का जो मोदी जी का स्वप्न है उसको सिद्ध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं
और परिश्रम के लिए पार्टी अध्यक्ष नाते मैं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार हिमाचल और गुजरात की जनता का धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं।